बात हो लाहौर शहर में मछली खाने की और हाजी मोहम्मद सरदार मछली का नाम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, तो आज हम आए हैं हाजी मोहम्मद सरदार मछली ब्रांच भट्टा चौक। जी सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या हाल है? अच्छा सर, ये बताएं कि हाजी मोहम्मद सरदार मछली ही क्यों? इसलिए कि लोगों का एतमाद है इस अदारे में। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हर चीज़ हाइजेनिक तरीके से तैयार की जाती है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा, सारा दिखाऊँगा भी कि इसको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करें, और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी की तमाम SOPs पर हम फिल जितना भी हमें हो सके उतना हम उसको पूरा करें। सही। तीसरा, इसमें चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो तमाम प्योर चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले ऑयल में ये मछली फ्राई होती है, तो उसमें हम ऑयल जो है वो सरसों का यूज़ करते हैं। अच्छा। और वो भी हम खुद अपना निकलवाते हैं, सारा सरसों खुद ख़रीद के। उसके बाद जो मसाला जात इसमें यूज़ होते हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेक्शन अलग से है वो। उसमें हम खुद मसाला जात लेके उनको ग्राइंड खुद यहाँ पे करते हैं। अच्छा, तो मसाले भी यानी कि आप जो मछली में लगते हैं वो सारे इधर ही तैयार करते हैं? जी, वो भी इंशाल्लाह आपको भी सेक्शन दिखाएंगे आपको। नाइस। और उसके अलावा चटनी हमारी स्पेशलिटी में आती है। अच्छा। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो तमाम हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी। स्पेशलिटी की बात करें सर, तो मुझे ये बताएं कि हाजी मोहम्मद सरदार मछली की जो स्पेशलिटी है, यानी कि जो एक की आपकी जो डिशेज हैं वो क्या हैं, और मतलब उनकी क्या स्पेशलिटी? हाँ, उसमें हमारी जो स्पेशली जो सरदार फिश पे लोग आते हैं तो वो बाम मछली के लिए। अच्छा। क्योंकि बाम मछली समुंदर की मछली है, तो इसमें एक समुंदर की ख़ास स्मेल होती है जिसको हमारे बड़ों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अच्छा। बाम फिश जो है पूरे पाकिस्तान में हमने सरदार मछली ने। अच्छा, वो मछली को इंट्रोड्यूस ही आप लोगों ने करवाया? अच्छा, तो वो हमारी स्पेशलिटी है। अभी 2006 में ये ब्रांच स्टार्ट की है। अच्छा। तो उसमें हमने बारबेक्यू फिश, अक्सर लोग शिकायत करने लग पड़े थे कि दिल का प्रॉब्लम है, इस वजह से फिश नहीं खाना, फिश ऑयली कुछ ज़्यादा, ऑयल की वजह से वो फिश खाना छोड़। सही। तो उनके लिए हमने स्पेशली मरीज़ों के लिए बारबेक्यू फिश स्टार्ट की, जिसमें तमाम चीज़ें का ख्याल रखते हुए कि उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वाइट पेपर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम रेड चिली उसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा। हाँ, उसमें रेड चिली बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद ग्रीन चिली है और ब्लैक पेपर है, इसको हम मिक्सर। और इसके अलावा ये एक तो बारबेक्यू फिश। और ये हमने 2006 में लाहौर में सबसे पहले हमने स्टार्ट की। अच्छा, बारबेक्यू फिश। वाओ, ये भी हमें इस अदारे को है कि 2006 में हमने ये स्टार्ट की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जो लोग हैं वो रिपीटेडली ये खाते हैं हमसे। और उसके अलावा उसके भी आपको सेक्शन दिखाऊँगा चल के, तो उसकी तैयारी। तो आप बाम मछली और ये बारबेक्यू फिश ये दो बेच रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई और? इसके अलावा भी हैं, बाम फिश है, रोहू फिश है, उसके बाद चिड़ा फिश है। अच्छा, चिड़ा फिश। जी ये। हाँ, चिड़ा फिश इसी साल हमने स्टार्ट की है, पहले हम नहीं करते थे। अच्छा। यहाँ पे तो लोगों की डिमांड के ऊपर हमने वो स्टार्ट की है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। सही। तो चलें विज़िट करते हैं फिर हम आपके बाकी सारे सेशन भी।